हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो मैं डॉक्टर अनुज गोस्वामी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मलद्वार संबंधित जितने भी रोग हैं या इससे संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो सब हम समय समय पर आपके सामने लेके आते रहते हैं, लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है वो हल्का सा हटके ये है कि जब तक पेशेंट की लाइफस्टाइल और पेशेंट का पेट अच्छी तरह साफ नहीं होगा, पेशेंट का पेट अच्छा नहीं होगा तो पेशेंट को एनोरेक्टल की डिजीज, किसी भी तरह की एनोरेक्टल संबंधी बीमारी लग सकती है। क्योंकि अगर पेट उसका स्वस्थ है, अगर उसको कब्ज नहीं रहता, पेट अच्छा साफ होता है तो उसको एनोरेक्टल संबंधी बीमारी कम लगती है। क्योंकि जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, जिनको कब्ज बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे पेशेंट्स टॉयलेट के अंदर बहुत देर देर तक बैठे रहते हैं, बहुत देर देर तक स्टिन करते रहते हैं, जिसकी वजह से इंटरनल हिमोरॉइड्स एक्सटर्नल में बदल जाते हैं और स्लोली स्लोली दूसरी कैटेगरी की बीमारियाँ पेशेंट को लग जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे पेशेंट्स जिनका पेट खराब होता है वो किसी भी तरह की एनोरेक्टल संबंधी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। तो आज इसी टॉपिक को लेके कि पेट को स्वस्थ कैसे किया जाए और कैसे कब्ज है, अफारा है, गैस बनती है पेशेंट्स को, तो ऐसे पेशेंट्स का ऐसा क्या हो, ऐसी क्या मेडिसिन हो जिससे ऐसा पेशेंट थोड़ा स्वस्थ महसूस करे और ठीक हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। फ्रेंड्स, आयुर्वेदिक दवाई बताने से पहले मैं केवल आप लोगों से यह अपील करना चाहता हूं कि सबसे पहली बात कि आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपना वर्कआउट रेगुलर करें, चाहे आप 10 मिनट अपनी बॉडी को दें। जिस बॉडी से, जिस शरीर से आपको पूरा जीवन भर कमाना है, चलना है, उस शरीर को आप केवल 10 मिनट नहीं दे सकते। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी बॉडी को 10 मिनट मिनिमम देना पड़ेगा, रेगुलर वर्कआउट आपको करना पड़ेगा अगर आपको स्वस्थ रहना है। तो अगर आपको किसी भी तरह की बीमारी से बचना है तो आपको रेगुलर वर्कआउट अपने जीवन के अंदर ऐसा बिल्कुल फिक्स कर लो, जैसे आप रोज खाना खाते हो, रोज अपनी ड्यूटी जाते हो, बिल्कुल उसी तरीके से अपना रेगुलर वर्कआउट आप जरूर अपनी लाइफस्टाइल के अंदर इन्वॉल्व कर ले, अटैच कर ले, सबसे पहली बात। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा लिक्विड आप लें, बहुत ज़्यादा फाइबर आप ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, ऑयली स्पाइसी डिब्बाबंद और नॉनवेज बहुत ज़्यादा, बहुत से लोग हैं खाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अति मात्रा में नॉनवेज को हम हमेशा अवॉइड करते हैं। क्योंकि एनोरेक्टल डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितनी बीमारियाँ होती हैं इनके लिए नॉनवेज बहुत ज़्यादा गलत माना जाता है, क्योंकि ये पचाने में हमारी जो आंतें होती हैं उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, कोशिश करें अपनी तरफ से कि इस तरह के खाने से बचें। अगर खाना भी है, अगर आप खाते हो भी, आपकी संस्कृति के अंदर है, तो बहुत कम खाएं, लिमिट में खाएं। ऑयली स्पाइसी डिब्बाबंद जो बाजार का खाना होता है उसको बिल्कुल परहेज करें अगर आपको हमेशा स्वस्थ रहना है और अपने एनोरेक्टल डिपार्टमेंट की डिजीज से बचना है तो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, एक होता है अबैरिस्ट, आप इमेज में देख सकते हो, अबैरिस्ट आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो। सबसे बेस्ट वैसे धूत पापेश्वर का होता है, धूत पापेश्वर, झंडू, ऊजा, सांडू, गुरुकुल कंपनी, इस तरह की कंपनी, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हो, केरला आयुर्वेद का भी ले सकते हो। सबसे बेस्ट आसविष्ट होते हैं आपका, एक तो अबैरिस्ट हुआ, अबैरिस्ट के साथ आप दूसरा कुमारी आसव ले सकते हैं। कुमारी आसव हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सबसे रामबाण माना जाता है और इसका बहुत सारा रिजल्ट है हमारे पेट को स्वस्थ करने के लिए। अबैरिस्ट और कुमारी आसव को आप दोनों को मिक्स कर ले बराबर मात्रा में। दोनों को मिक्स करने के बाद 4 चम्मच दवाई, 4 चम्मच नॉर्मल पानी सुबह शाम खाना खाने के बाद देना शुरू करें। स्लोली स्लोली आपकी पेट की जितनी भी समस्याएं हैं, कब्ज हो, गैस हो, अफारा हो, आपको बदहजमी रहती हो, आपको भूख बिल्कुल ना लगती हो, स्लोली स्लोली वो सब चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएगा। हाँ, समय लग सकता है क्योंकि आयुर्वेद है, रूट के अंदर वर्क करता है, सीधा जड़ के ऊपर वर्क करता है। क्योंकि एलोपैथ क्या होता है कि केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देता है, लेकिन आयुर्वेद जो होता है वो आपकी रूट को लेकर चलता है और आपके रूट से आपकी बीमारी को खत्म करने की कोशिश करता है। लेकिन आयुर्वेद के साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि आपको परहेज बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऑयली स्पाइसी डिब्बाबंद, खटाई का, जो बासी खाना होता है, जैसे रात का खाना बहुत से सुबह फ्रिज में रख के खाते हैं, वो बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से आप अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करके और ये दवाइयाँ सेवन करके अपने आप को इस तरह की बीमारी से बचा सकते हैं। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप ये दवाई लोगे,
जब आप इन दवाई को स्टार्ट करोगे तो इन दवाइयों को आप 2 महीने रेगुलर शुरू करें, 2 महीने कंटिन्यू ले सकते हैं, उसके बाद स्लोली स्लोली टेपर डाउन करना है। टेपर डाउन का मतलब स्लोली स्लोली इसको कम करना है जैसे आपके सिम्टम्स रिजोल्व होने लगेंगे। बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक खाते रहते हैं दवाइयाँ कि डॉक्टर साहब ने लिख रखा है, बता रखा है, अब तो मैं परमानेंट लेता रहूंगा, लेकिन वो गलत है। किसी भी तरह की दवाई का हमेशा नुकसान होता है, चाहे वो आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, एलोपैथ हो, किसी भी तरह की चीज। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। अगर आप अति करोगे तो वो नुकसान देगी। तो फ्रेंड्स कोशिश करें जब आप दवाइयां शुरू करें 2 महीने कंटिन्यू लेने के बाद आप इन मेडिसिन को डोज कम कर दें, 4 चम्मच से 2 चम्मच पे कर दें, 2 चम्मच दवाई 2 चम्मच बराबर मात्रा में पानी मिला के सुबह शाम खाना खाने के बाद, फिर 1 महीना कंटिन्यू उस तरह से करें, और उसके बाद फिर आप इस डोज को 24 घंटे में एक बार कर दें। जब थर्ड मंथ आपका आएगा, जब आप 24 घंटे में एक बार करेंगे, स्लोली स्लोली तीसरे महीने की कंप्लीट करने के बाद आप इसको बंद कर सकते हैं। ये तरीका होता है किसी भी तरह की आयुर्वेद मेडिसिन लेने का। तो फ्रेंड्स आज तो हमारी वीडियो में इतना ही है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो तो। जय हिंद, जय भारत।